नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। देश के नंबर वन हिंदी चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। गाजा मलबा बन चुका है, लेकिन इजराइल का बदला अब तक पूरा नहीं हुआ है। इस बीच टैटू आर्टिस्ट शानी लोक को मारने वाला हमास का कमांडर मारा गया। शानी लोक 7 अक्टूबर को हमास ने पहले अगवा किया, फिर किस तरीके से पैर तोड़ दिए, उसके बाद सिर कलम किया और फिर उसकी लाश को निर्वस्त्र कर गाजा की गली गली में घुमाया। हमास की हॉरर स्टोरी देख दुनिया दंग है। हमास के इस कमांडर के चेहरे को बहुत गौर से देख लीजिए। क्योंकि अब ये जिंदा नहीं है। इजराइल के डिफेंस फोर्स ने इसे मार गिराया है। हमास का ये वही कमांडर है जिसने इजरायली जर्मन लड़की शानी लॉक को मौत के बाद गाजा की गलियों में निर्वस्त्र घुमाया था। इजरायल की सेना के प्रवक्ता ने जर्मनी में शानी लॉक के घर फोन लगाया। हेलो, हेलो, मैं इजरायल आर्मी की ओर से बोल रहा हूँ, क्या आप शानी लॉक की माँ बोल रही हैं? जी, मैं शानी लॉक की माँ बोल रही हूँ। शानी लॉक के साथ कुकृत्य करने वाला हमास का आतंकी मारा गया है। आपकी बेटी की मौत का बदला ले लिया गया है। जी, शुक्रिया। बेटी की मौत से उदास मां के लिए ये फोन कॉल जलती अग्नि में पानी के दो शीतल बूंद की तरह है। शानी लॉक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस 22 साल के टैटू आर्टिस्ट के साथ जो कुछ उसकी मौत के पहले हुआ, उसने दुनिया में मानवता के चीथड़े उड़ा दिए। गाजा की सड़कों पर उस दिन आदमियत की सारी लकीरें हमास ने तोप के गोलों से उड़ा दी थी। शानी लॉक सिर्फ मारी नहीं गई, उसके साथ वो सब कुछ हुआ जिसकी कल्पना कर दुनिया की आंखें शर्म से झुक गई। बर्बरता का नंगा नाच हुआ था उस दिन गाजा की सड़कों पर। 7 अक्टूबर की सुबह दक्षिणी इजराइल का डेजर्ट लोकेशन नोआ म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। कई देशों से आए लोग फेस्टिवल में नाच रहे थे, गा रहे थे, म्यूजिक लाउड है। बाईस साल की शानी लॉक भी मस्ती में नाच रही है। शानी लॉक झूम रही है। वो अपने माता पिता से बहुत दूर आई है फेस्टिवल में हिस्सा लेने। उसके पास सोचने का वक्त नहीं कि देश और आजादी के सिरफिरे नारों के बीच उसे मौत के घाट उतारा जाएगा। पहले जिस्म से उसकी जान निकाली जाएगी और फिर उसके शव के साथ अमानवीय और बर्बरतापूर्ण कुकृत्य किया जाएगा। शानी लॉक इन सब से बेखबर झूम रही थी, हंसने, गाने और जिंदा रहने की आजादी के साथ। हमला होता है। सुरंग से पैराग्लाइडर से हमास के आतंकी जमीन पर उतरते हैं और फिर फेस्टिवल में कत्लेआम यानी शानी लॉक को हमास के आतंकी पकड़ लेते हैं। गाजा ले जाने के बाद सबसे पहले शानी लॉक का पैर तोड़ा जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। 30 अक्टूबर को शानी लॉक के सिर की खोपड़ी मिलने के बाद क्लियर होता है कि सपनों के पंख लगाकर आसमान में उड़ान भरने वाली शानी लॉक हमास के क्रूर हाथों से कुचल दी गई। शानी की मौत की पुष्टि होने के बाद उसकी मां ने कहा, मैं ये सोचकर खुश हूं कि उसने अपने साथ होती ज्यादती नहीं देखी। उसने नहीं देखा कि हमास उसके शरीर के साथ क्या कर रहा है।
7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद ट्रक में हमास लड़ाकों के पैरों तले दबी शानी का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में शानी का चेहरा नहीं दिख रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शानी की मां ने उसके शरीर पर बने टैटू से उसे पहचाना था। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक शानी की मां को पता नहीं था कि शानी की मौत हो चुकी है। उन्हें लग रहा था कि वो बेहोश है, जिसके बाद शानी लॉक की मां जर्मनी की सरकार से, हमास से, इजराइल से सबसे अपील करती है कि उनकी जान से प्यारी बेटी की रिहाई के लिए कुछ किया जाए, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा। 7 अक्टूबर को म्यूजिकल फेस्ट में भी हमला किया था हमास के आतंकियों ने, जिसमें 260 लोगों की मौत हुई थी। हमास के आतंकियों ने शानी लॉक को यहीं से पकड़ा था और फिर गाजा लेकर गए थे। उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था। ऐसे में हमास अगर मानवीय आधार पर इसराइल से युद्ध रोकने की अपील करता है तो इसका असर इसराइल पर न होना लाजमी है। शानी लॉक के साथ जो हमास ने किया, ऐसी ही कार्रवाइयों के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने हमास को अल कायदा से भी खूंखार और बर्बर बताया है। जो बाइडन को इस वक्त जरूर सुनना चाहिए। जितना हमें हमास के हमले के बारे में पता चल रहा है, ये उतना ही डरावना होता जा रहा है। 1000 से ज्यादा मासूम लोगों की जान चली गई, जिनमें 27 अमेरिकी भी शामिल हैं। अमेरिका खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है। हमास ने कत्लेआम किया और इस बीच वो सब किया जिसने इसराइल को गाजा पर बम बरसाने के लिए मजबूर किया। गाजा में मर रहे मासूमों की मौत का जिम्मेदार हमास ही उतना है जितना कोई और है। हमास का इतिहास बताता है कि जब वो हमले करता है तो क्रूरता की हर हदें पार कर जाता है। इसराइल के खिलाफ हमास के पहले के हमले इसका उदाहरण है, लेकिन हमास ने इस बार बड़ी गलती कर दी है। हमास ये भूल गया कि खुद पर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जाना जाता है इसराइल। इसराइल बदला लेने में नंबर 1। 5 जून 1967, एक तरफ मिस्र, सीरिया और जॉर्डन जैसे देशों के लड़ाके, तो वहीं दूसरी ओर था अकेला इसराइल। सभी देशों को लग रहा था कि वो इसराइल को कुछ समय में ही खत्म कर देंगे, लेकिन 6 दिनों तक चले इस युद्ध में इसराइल ने 3 अरब देशों को पानी पिला दिया। नतीजा यह हुआ कि इसराइल ने सिनाई प्रायद्वीप, गाजा, पूर्वी यरूशलम, पश्चिमी तट और गोलान पहाड़ी पर अपना कब्जा जमा लिया। हमास के पास ईरान, हिजबुल्ला और हूथी वाली ताकत है, लेकिन नैतिक समर्थन नहीं। हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायली बच्चों को भी बड़ी क्रूरता के साथ मारा था। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने सौगंध खाई है कि जब तक हमास का एक भी आतंकी जिंदा है, इसराइल का ऑपरेशन सॉल्ट ऑफ आयरन चलता रहेगा। इसराइल इस बार बदले की आग में जल नहीं रहा, लहक रहा है। इसीलिए हमास को बिना भस्म किए अब इसराइल के सैनिक तेल अवीव के बैरकों में लौटते नहीं दिख रहे। इसराइल के प्रचंड बदले का एक और उदाहरण देखिए। इसराइल बदला लेने में नंबर 1। ओलंपिक गेम्स 1972 का आयोजन जर्मनी के म्यूनिख शहर में हुआ था। ओलंपिक गेम्स विलेज में 8 फिलिस्तीनी आतंकियों ने बर्बरता के साथ इसराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी, लेकिन इसराइल ने सौदा नहीं किया। मोसाद ने ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड शुरू किया और बदला पूरा कर लिया। इसराइल दौड़ा दौड़ा कर मारता है। गाजा में भी इसराइल की सेना एक एक ईंट उलट कर चेक कर रही है। फिर कोई शनि लोग जैसी महिला हमास के बर्बर हमले का शिकार न बने, इसके लिए इसराइल गाजा में खून की नदियां बहाने से भी नहीं चूक रहा है। इसराइल की सेना को अगर किसी शिविर में अंदेशा होता है कि यहाँ हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं, तो वहाँ पर हमला निश्चित है। मोसाद ने 28 जून 1973 को ब्लैक सितंबर से जुड़े मोहम्मद बौदिया को कार बम लगाकर उड़ा दिया। 15 दिसंबर 1979 को 2 फिलिस्तीनी, अली सहीम अहमद और इब्राहिम अब्दुल अजीज की साइप्रस में हत्या कर दी। 17 अक्टूबर 1982 को पीएलओ के 2 सदस्यों को इटली में मार दिया। इसके बाद पेरिस में पीएलओ के दफ्तर में उप निदेशक फदल दानी को 23 जुलाई 1982 को कार बम से उड़ा दिया। इसराइल हमास को जब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं, ये बहुत क्लियर है। लिहाजा किसी भी देश के सामने इसराइल हमास युद्ध की नीति बिल्कुल साफ है कि हमास ने 7 अक्टूबर को जो किया, उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। लिहाजा इसराइल को हक है कि हमास के हाथों दूसरी शानी लॉक नहीं मरे, इसका इंतजाम करें।